वाली वीडियो में हमने आपको भिन्नों का जोड़ बताया था, जिसमें उन भिन्नों का जोड़ किया गया है जब भिन्नों के हर बराबर हो, जब उनके हर बराबर हो। इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे जब उनके हर अलग अलग हो। जब उनके हर अलग अलग हो तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है, 4/5 और इसको जोड़ना है 3/4 के साथ। 4/5 और इसको जोड़ना है 3/4 के साथ। तो यहाँ पर इनके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, दोनों हर अलग अलग हैं। तो आपको ये तरीका लगाना है, सबसे पहले तो इनके जो हर हैं 5 और 4 हैं, इनका लेस लेना है। सबसे पहले 5 का और 4 का आपको लेस लेना है, इनका लेस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 2 से हम विभाजित करेंगे, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 विभाजित नहीं होता है, और ये 4, 2 × 4। आगे 2 से फिर से ये 2 विभाजित हो सकता है, 2 × 2, और ये 5 किससे विभाजित होगा, 5 से, 5 × 5, और ये 1 ऐसे ही। तो इनका लेस कितना आ गया है, 2 × 4, 4 × 5 = 20। यहां पर आप बराबर लगाइए, और ये जो लेस आया है इस लेस को इसके नीचे लिखना है, 2 × 4, 4 × 5 = 20। ये जो 20 आया है, इस 20 को आप लाइन खींच करके इसके नीचे लिख दोगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब जिन संख्याओं का आपने लेस निकाला है उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से इस लेस को भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे 20 को, 5 से 20 को भाग करेंगे 5 × 20, तो कितना आएगा, 4 आएगा। वो जो 4 आया है उस 4 की गुणा आप इसमें करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, वो जो 4 भाग करके आया है उसकी गुणा आप इस 4 से कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जोड़ का निशान लगेगा। अब इस 4 से इस 20 को भाग करेंगे, 4 से 20 को भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 5 आया है, तो वो जो 5 आया है उस 5 की गुणा आप इस 3 से करेंगे। तो यहाँ लिखना है 3 × 5। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लगेगा बराबर, 4 की गुणा 4 से करेंगे, 4 × 16। फिर यहाँ जोड़ का निशान लगेगा, 3 × 5 = 15, यहाँ लिखा जाएगा 15, और इसके नीचे लाइन खींच करके ये 20 लिख देंगे। आगे क्या करना है, अब हमें इन्हें जोड़ देना है, 16 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 31 ऐसे ही, और इसके नीचे आ जाएगा 20। तो 31/20 ये हमारा उत्तर है, जब हर अलग अलग है तो इस तरह से करना है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, मान लीजिए ये सवाल है दूसरा, 5/7 + 3/8 + 4/5। ये 3 भिन्न हैं, 5/7, 3/8, 4/5, इन तीनों भिन्नों में जो हर है वो अलग अलग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का, 8 का और 5 का, इन तीनों का लेना है लेस। तो हम यहाँ पर इनका लेस ले लेते हैं, 7 का, 8 का और 5 का, इनका लेस ले लेंगे। हम 2 से विभाजित करते हैं, 7 ऐसे ही, 2 × 8, और ये 5 ऐसे ही। इसके बाद 2 से विभाजित करेंगे, ये 7 ऐसे ही, 2 × 4, और ये 5 ऐसे ही। इसके बाद ये 2 फिर से विभाजित हो जाएगा, 2 × 2, और ये 5 ऐसे ही। अब इसमें 5 आया है और 7 आया है, 5 को विभाजित करेंगे 5 से, 7 ऐसे ही, ये 1 ऐसे ही, 5 × 5, और ये जो 7 आया है ये 7 से ही विभाजित हो जाएगा, 7 × 7, और ये 1 ऐसे ही। अब ये हमारा हो गया है लेस है, तो लेस है कितना आ गया है, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 5 = 40, और 40 की गुणा 7 में करेंगे तो 280, 40 की गुणा 7 में करेंगे तो 280 आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेसर को यहाँ एक लाइन खींचेंगे बराबर लगा करके, इसके नीचे लिख देंगे 280। जो हमारा लेसर आया है उस लेसर को आप इसके नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, जिन संख्याओं का हमने लेसर निकाला है उनसे इस लेसर
बारी बारी से भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करते हैं सात से, सात से भाग करेंगे 280 को, 280 को सात से भाग करेंगे। सात से अब देखिए 28 में पारा चलेगा, 7 × 28 यहाँ पर आ जाएगा 28। अब आगे 28 में से ये 28 घटेगा तो 0, और ये 0 ऊपर से ये नीचे उतरेगा। अब 7 का पहाड़ा 0 में 0 बार चलेगा, क्योंकि ये 0 जब हमने उतारा है तो इस 0 में भी पहाड़ा चलाएंगे आप 0 बार, तो यहाँ पर इसके नीचे लिखा जाएगा 0। तो ये हमारा 40 आ गया है। 7 से जब हमने 280 को भाग किया है तो आया है 40। अब इस 40 की गुणा करेंगे 5 में, ऊपर जिस हर से भाग की है उसके ही अंश में ऊपर उसमें गुणा कर देनी है। 7 से भाग करी है हमने 280 को, अब 280 को भाग जो की है तो आया है हमारा 40। 40 की गुणा 5 में कर देंगे। अब इस 8 से भाग करेंगे 280 को, तो 8 से भाग करेंगे 280 को कितना आएगा, 8 से 280 को भाग करते हैं, 8 का पहाड़ा 28 में चलेगा, 8 × 3 = 24 तीन बार घटाएंगे, 8 में से 4 बचेंगे 4, और ये 0 इसके पास, तो 8 × 40। तो 8 से 280 को भाग करके आ गया है 35। तो 35 की गुणा होगी इस 3 के साथ, जो ऊपर ये 3 है इसके साथ में 35 से गुणा कर देंगे। आगे अब हम इस 5 से भाग करेंगे 280 को, तो 5 से भाग करेंगे 280 को तो कितना आएगा, 5 से भाग कर दो 280 को, 5 का पहाड़ा 28 में, 5 × 25 घटाएंगे, 8 में से 5 घटेंगे 3, और ये 0 इसके पास, और 5 × 30 तो भाग करके आ गया है हमारा 56। तो 56 की गुणा कर देंगे इस 4 में, तो 4 × 56 यहां तक हम कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, पहले ये लाइन खींच लो, नीचे इसके 280 लिखो, और ऊपर ये जो गुणा है इनको गुणा कर दो, 5 की गुणा 4 में कर देंगे, 5 × 20, और ये 0 इसकी ऐसे ही, प्लस 3 की गुणा 35 में कर दो, 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 1 हासिल, 3 × 9 = 10, तो ये हो गए 105, प्लस 4 की गुणा 56 में करेंगे, 4 × 24 = 4, हासिल लगेंगे 2, 4 × 5 = 20, और 2 = 22, तो ये आ गया है हमारा 224। तो इन तीनों को अब हम जोड़ देंगे, 224 को, 105 को और 200 को, इन तीनों को जोड़ देंगे। अब इकाई का नंबर इकाई से जोड़ना है, दहाई का नंबर दहाई से जोड़ना है, सैकड़े का नंबर सैकड़े से जोड़ना है। अब ये देखिए 4 और 5 = 9, और ये 0, तो ये 9 आ जाएगा। आगे 2 और ये 0, और ये 0, ये 2 ही रहेगा, और 2, 3 और 2, 5, तो यह आ गया है 529। 529 बटे में आएगा 280, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 280। तो ये हमारा उत्तर है। जब हर अलग अलग होंगे तो तब आप ले से लेकर के इस तरह से भिन्नों को जोड़ेंगे।